सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत ख्वाजा खेड़ी धाम की महंत के साथ मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने के प्रयास का मामला सामने आया है। महंत जयराम दास त्यागी ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की है कि मंडी अध्यक्ष रहे खरगराम पटेल के बेटे मुकेश पटेल, उदय पटेल ने उनके साथ जहां मारपीट की और भागने पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास भी किया। उनके मुताबिक ये विवाद दुकानों के किराए का बताया जा रहा है। ख्वाजा खेड़ी धाम की कई दुकानें हैं जिन पर लोग दुकानों का संचालन करते हैं, जिसका किराया लोगों के द्वारा काफी समय से नहीं दिया गया है। इसके साथ ही महंत की नियुक्ति के समय भी इन्हीं लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। महंत ने बताया कि मंडी के पूर्व अध्यक्ष के बेटे अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, यही कारण है कि उन लोगों के द्वारा लगातार ही इस तरह की रंगदारी की जा रही है। हमारा दुकानों का कोई किराएदार से किराए को लेकर कोई बात थी, हमने किराया मांगा तो उसने गांव की जो खाप पंचायतें होती हैं अक्सर हरियाणा पंजाब में जो चलती हैं, तो यहाँ पे खरगराम पटेल हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष, जब हमारे यहाँ पे मेहनताई समारोह हुआ था तभी से कुछ ना कुछ हमारे साथ में घटना दुर्घटनाएँ छोटी मोटी करते रहते हैं। एक बार और इनका बड़ा लड़का उदय रात में दारू वारू पी के हमको बोला बाहर निकलो, तो हम मौके पर थे नहीं, हम दमों गए हुए थे। और कल रात में इनके लड़के ने हमको बोला कि हम यहीं कहीं आपको गड़ा देंगे, और हमारे पिताजी का बोले वर्चस्व है, हमारा चलाव चलेगा इस गांव के अंदर, और हमारे पिताजी का निर्णय है कि तुम इससे किराया नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सुबह इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। वहीं मामले में CSP अभिषेक तिवारी ने बताया कि इसकी शिकायत हुई है, मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। देखिए, ख्वाजा खेड़ी में महंत जयराम दास जी त्यागी ने आकर अभी थाने पर आकर बताया है कि उनका मंदिर की दुकानों को लेकर और उनके किराए को लेकर एक मिट्ठू पटेल से विवाद हुआ है, जिससे किराया मांगा गया था, किराया ना देने की बात को लेकर उसने विवाद किया। मिट्ठू पटेल और उसके बेटे ने महंत जी के साथ मारपीट भी की है, और इसके साथ साथ उदय पटेल और मुकेश पटेल का भी नाम बता रहे हैं कि चारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है और इनके ऊपर पेट्रोल डाला गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें कायमी हेतु निर्देश दे दिए गए हैं, जांच जारी है, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी विधिवत वो आवश्यक रूप से की जाएगी। सर, पेट्रोल वाली घटना क्या है? सही है, इन्होंने इसी रंजिश को लेकर ये पेट्रोल वगैरह की, महंत जी बता रहे हैं कि ये किराया ना देना पड़े इस बात को लेकर और अपने क्षेत्र में वर्चस्व बना रहे, इस तरीके की बात उदय पटेल और मुकेश पटेल ने जो है महंत जी को कही। सर, मौके में कोई साक्ष्य मिला है क्या, पेट्रोल का डब्बा वगैरह या कोई सामग्री वगैरह? टीम तलाशने में लगी हुई है और जो भी इसमें मौके से साक्ष्य मिलेंगे वो जरूर संकलित किए जाएंगे। खरगराम पटेल के नाम से जुड़ रहे हैं? नहीं, खरगराम पटेल के दो बेटे हैं उदय पटेल और मुकेश पटेल, जिनका ये महंत जी नाम ले रहे हैं कि इन लोगों ने इनसे विवाद किया है और अब एक तरीके से वर्चस्व की बात बोली है। कौन है खरगराम पटेल? कौन है? पूर्व मंडी अध्यक्ष बता रहे हैं। सर, अभी कोई आरोपी पकड़े? नहीं, अभी तत्काल रूप से तो कोई आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, FIR के पश्चात जो है ना इनकी पतारसी और इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।